Good morning to everyone and welcome back to the official channel of St. Thomas Group, Tandwa, Chatra, Jharkhand. Now, अब हम लोग first part start करते हैं economics का. यहाँ देख रहे first part economics का start करते हैं और वो भी हम start करें class 10 का. आज हम लोग का first part है और chapter 2. आज कौन सा chapter है? Chapter 2. जो हम लोग पढ़ेंगे economic के बारे में. सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे कि ये दिस इज द इम्पॉर्टेंट सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी. अगर हम लोग का ये सेक्टर नहीं रहा तो कोई भी देश का, हम यहाँ भारत को ही छोड़ दे रहे हैं, यहाँ पर हम इंडिया को ही हटा देंगे, अगर कोई भी देश का नाम लेंगे तो ये एक ही देश का नहीं, ये सारा देश के साथ फॉलो होगा. सारा देश के साथ क्या हम लोग का सारा देश फॉलो होता है? एक ही सेक्टर से काम करता है. जो हमारे यहाँ जो काम होता है भारत में वो विदेश में भी एक ही काम होता है. एग्रीकल्चर हम लोग का इंडिया में होता है तो विदेश में भी ऑलरेडी एग्रीकल्चर होता है. मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होता है तो विदेश में भी मैन्युफैक्चरिंग होता है. वहां पर भी सेल्स एंड सर्विसेज है तो यहाँ पर भी हमारा सेल्स एंड सर्विसेज है. इट्स मीन्स दैट कि हम लोग का जितना भी काम है, एक देश का या अनदर देश का जितना भी काम है, हम लोग का सारा काम क्या है? एक ही है. बस एक ही डिफरेंस है हम लोग का टेक्नोलॉजी. जो कहीं पर किसी देश का ज्यादा टेक्नोलॉजी है तो वो डेवलप्ड कहलाएगा, किसी देश पर हम लोग का ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं है वो डेवलपिंग कहलाएगा. ये पता है ना आप लोगों को. अब जापान का एग्जांपल लेते हैं, अमेरिका का एग्जांपल लेते हैं, वहां पर लोगों को क्या है? वहां पर टेक्नोलॉजी है तो ज्यादा डेवलप्ड है. अगर हम इंडिया ही कह लेते तो हम लोग यहाँ पर कम टेक्नोलॉजी है तो हम लोग कम डेवलप्ड है. ये होता है ना. और कहीं कहीं पर हम लोग का जो डेवलप्ड कंट्रीज जो सबसे ज्यादा रहता है वो पॉपुलेशन पर भी डिपेंड रहता है. अब देखिए, कहीं पर अगर हम लोग का जनसंख्या कम रहा, अगर कोई देश का जनसंख्या कम रहा तो उसका जो डेवलपिंग पावर है, जो कैपेसिटी, वो क्या बहुत ज्यादा होगा. और कहीं पर हम लोग का जो पॉपुलेशन अगर बहुत ज्यादा रहा तो उसका डेवलपिंग पावर क्या होगा? बहुत ही कम होगा. जैसे यही एग्जांपल है. अब किसी किसी का एक मन में बात आता है कि सर, कभी कभी कोई कभी कभी हम लोग देखते हैं कि चाइना तो हम लोग का बहुत बड़ा कंट्री, चाइना तो एक बड़ा कंट्री है लेकिन हम लोग वर्ल्ड का सबसे मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, तभी भी इंडिया के मुताबिक डेवलप कैसे है? आप लोग इसमें एक आंसर बताते हैं, क्योंकि चाइना का जो लैंडमास एरिया है, मतलब कि जिसका जो भूमि है, लैंडमास एरिया है, वो भारत से बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है. वो अपना लैंडमास एरिया के अनुसार उसका पॉपुलेशन जो है वो ठीक है, लेकिन इंडिया के लैंडमास के अनुसार यहाँ का जो पॉपुलेशन अभी हम लोग जो करते हैं 135 जो हम लोग बोलते करोड़, ये हम लोग का अपना लैंडमास के एरिया जो बहुत ही कम है, बहुत ही क्या है? कम है. अब इसमें मतलब आप लोग कमेंट कीजिए कि सर हम लोग का पॉपुलेशन कैसे कम कर सकते, इसमें कोई कमेंट नहीं कीजिए, क्योंकि हम लोग का जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो वो बढ़ेगा ही, लेकिन अगर हम लोग अपना समझदारी रखते तो हम लोग का ये पॉपुलेशन क्या होगा? कंट्रोल श्योर होगा ना. अब हम लोग स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट में हम लोग इकोनॉमिक के बारे में पढ़ते हैं. इकोनॉमिक का आप लोगों को डिटेल बताते हैं कि इकोनॉमिक होता क्या है. इकोनॉमिक का डिटेल बताने से पहले हम आप लोगों को दो चीज बताते हैं. एक हम बताते हैं मनी और दूसरा हम बताते हैं कैपिटल. मनी और क्या है? कैपिटल. ये दोनों वर्ड्स को ध्यान से देखिएगा, दोनों वर्ड्स को ध्यान से देखिएगा. बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल को ही मनी बोलते हैं. बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल को ही मनी बोलते हैं. लेकिन आप लोग यहां पर एक गौर से देखिएगा, ये मनी का मतलब होता है मुद्रा. मनी का मतलब क्या होता है? मुद्रा, जिसको हम लोग करेंसी बोलते हैं. हर देश का अपना अपना करेंसी रहता है ना, वो हो गया मनी का मुद्रा. लेकिन ये कैपिटल को हम लोग मुद्रा नहीं बोलेंगे, कैपिटल को हम लोग मुद्रा नहीं बोलेंगे, कैपिटल को हम लोग क्या बोलेंगे? पूंजी बोलेंगे. क्या बोलेंगे? पूंजी बोलेंगे. देखिए, मुद्रा और पूंजी पर, मनी को क्या बोलेंगे? मुद्रा बोलेंगे, और कैपिटल को क्या बोलेंगे? पूंजी बोलेंगे. दोनों का क्या है? बहुत बड़ा डिफरेंस है. दोनों वर्ड्स में बहुत बड़ा डिफरेंस है ना. मनी हम लोग का, इट्स मीन्स दैट हम लोग का पैसा, मनी जो है वो हर व्यक्ति के पास रहता है. हर मेरे पास भी 500 है, आपके पास भी 500 है, सबके पास 500, मतलब कि मनी, मुद्रा सबके पास रहता है. लेकिन जो पूंजी रहता है वो छोटा मोटा पूंजी नहीं रहता है. अब पूंजी में ही पैसा भी आता है, लेकिन वो पूंजी एक बहुत बड़ा रहता है. मतलब क्या बता रहे? पूंजी जो रहता है वो क्या रहता है? हम लोग का बहुत बड़ा रहता है. कहीं पर हम लोग का लार्ज इन्वेस्टमेंट करते हैं, कहीं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, नहीं तो कहीं तो हम लोग क्या करते हैं? शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं. ये दोनों वर्ड्स याद रखिएगा, ठीक है? दिस इज द इंपॉर्टेंट वर्ड्स. मनी को आप लोग कैपिटल मत बोलिएगा, मनी को हम लोग बोलते हैं मुद्रा, और कैपिटल को क्या बोलते हैं? पूंजी. ये याद रखिएगा. दोनों हम लोग का ये करेंसी का ही सेक्टर पे आएगा, लेकिन हम लोग का जो वर्ड्स जो है वो अलग अलग आएगा.
दिस इज द इम्पोर्टेंट, और ये इकोनॉमिक है तो आप लोग मत सोचिए कि हम साइंस ले लिए आर्ट्स ले लिए तो ये हम लोग का बदल जाएगा, नहीं, ये सब जगह एक ही जैसे चलेगा। आप कहीं पर भी सेक्टर कीजिए, आप बिजनेस कीजिए या कुछ भी कीजिए, तो मुद्रा और पूंजी को हमेशा अलग अलग क्या किया जाता है, डिफाइन किया जाता है ना। अब हम लोग पढ़ते फर्स्ट में इकोनॉमिक, इकोनॉमिक हम लोग कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट क्यों करते, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट क्यों करते फर्स्ट। अब यहां पर ये जो हम इस वीडियो को पॉज करके आप लोग लिख लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, इसलिए हम आप लोग का जो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है वो हम आप लोग को लिखवा दे रहे हैं। इकोनॉमिक द एक्टिविटीज विच आर कंडक्टेड विथ द ऑब्जेक्ट टू अर्न मनी, इसमें क्या होता है, हम लोग का एक ऑब्जेक्ट रहता है, जो एक्टिविटी हम लोग करते हैं, जो हम लोग एक्टिविटी को कंडक्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं, वो हम लोग किस लिए करते हैं, हम लोग किस लिए करते हैं, टू अर्न मनी, किस लिए, टू अर्न मनी, हम लोग पैसा कमाने के लिए ही करते हैं। और यहां पर आप लोग ये डिफाइन मत कीजिएगा कभी इकोनॉमिक में कि इकोनॉमिक इज नोन एज अ टू अर्न मनी, ये गलत हो जाएगा आपका, ये हम लोग का एक्टिविटी है, हम लोग को क्यों हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी को स्टार्ट करते हैं, टू अर्न मनी के लिए। बहुत से लोग सोचते होंगे कि इकोनॉमिक जो हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं बस हम लोग पैसा कमाने के लिए करते हैं, ये पूरा डिफाइन आपका गलत है, ये कभी भी मत सोचिए कि टू अर्न मनी के लिए, नहीं, हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज से डेवलपमेंट होता है, हम लोग का बहुत सारा लोगों को डेवलपमेंट होता है, ये विजुअल एक्टिविटीज है, आपका ये डिफाइन हम इकोनॉमिक्स का लिखवा देंगे क्या होता है। तो याद रखिएगा इकोनॉमिक में टू एक्टिविटीज विच आर कंडक्टेड विद ऑब्जेक्ट टू अर्न मनी इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसको क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी किसको बोलते हैं, जहां पर हम लोग पैसा को क्या करें, अर्न करें, जहां पर हम लोग ज्यादा से ज्यादा पैसा को कमाएं, उसको क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब सेकेंड लिखिएगा पीपुल इन इंडिया आर इंगेज इन वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटी, भारतीय लोग, हम यहां पर ये नहीं बोलेंगे कहां, ये हम इंडिया का नहीं बोलेंगे, इंडिया की जगह पर कोई भी देश का नाम ले लीजिए, आप इंडिया की जगह पर अमेरिका ले लीजिए, पाकिस्तान ले लीजिए, बांग्लादेश ले लीजिए, नेपाल ले लीजिए, भूटान ले लीजिए, श्रीलंका ले लीजिए, चाइना ले लीजिए, कोई भी देश का नाम बोलेंगे, लेकिन ये आपका जरूर है, हर कोई इंडिया का है तो इंडिया के बारे में पढ़ा रहे हैं तो इंडिया के वर्ड यूज करेंगे, अगर यहाँ पर हम चाइना लिखते या पाकिस्तान लिखते या अफगानिस्तान लिखते कुछ भी लिखते तो हम लोग उसी का यूज करते, लेकिन इंडिया के बारे में पढ़े तो इंडिया का लिखेंगे। पीपुल इन इंडिया मतलब कि जो भारतीय लोग हैं वो किसी किसी ना इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या है, इंगेज्ड है, किसी का किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंगेज्ड है। आप लोग ये बताइए हम कौन से इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंगेज्ड है, हम टीचर लाइन में इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंगेज है, ये भी तो इंपॉर्टेंट है ना, क्या हो रहा है, हम पढ़ा रहे तो किस लिए पढ़ा रहे, ये भी तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, हम किस लिए पढ़ा रहे, यहां पर वर्ड यूज किया गया ना, किस लिए, टू अर्न मनी, किस लिए हम लोग हम पढ़ा रहे, टू अर्न मनी। अगर आप ही अगर मार्केट में बैठ करके सब्जी या कुछ भी अगर बेचेंगे तो आप किस लिए बैठेंगे, अपने इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, किस लिए, टू अर्न मनी। यहां पर हर लोग क्या करता है, अर्न मनी, कोई भी एक्टिविटी किसी से भी कीजिए तो आपके पास मुद्रा जरूर आएगा, छोटा से छोटा काम कीजिए, आप अगरबत्ती बना के बेचिए ना, उस पर भी आपका क्या होगा, आपका मनी आएगा। नाउ नेक्स्ट है प्रोड्यूस गुड्स एंड प्रोड्यूस सर्विस, बहुत क्या करते हैं, बहुत लोग वो गुड्स को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, मतलब क्या करते हैं, गुड्स को बनाते हैं, जैसे ये मार्कर, दिस इज अ मार्कर, इसको क्या किया गया, बनाया गया है, क्या किया गया है, बनाया गया, कोई लोग आदमी बनाए होंगे, लेकिन सारे कोई लोग बनाते नहीं है, सारे कोई लोग बनाते नहीं है, लेकिन कोई कोई क्या करते हैं, सर्विसेस भी देते हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा, प्रोड्यूस गुड्स एंड प्रोड्यूस सर्विसेज, कोई कोई उस सामान को बनाते हैं और कोई कोई उस सर्विस को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। जैसे यहाँ पर इस मार्कर का कुछ ना कुछ तो नाम होगा, या इस मार्कर को हम क्यों खरीदे, टीवी पे एडवर्टाइज देखे होंगे या कहीं से ना कहीं देखे होंगे। अब एक आप बताइए, अगर किसी भी बहुत बड़ा ब्रांड का नाम अगर आपको पता चलता है, क्या किसके थ्रू पता चलता है, रेडियो के थ्रू, टीवी के थ्रू, किसी के ना किसी को थ्रू पता चलता है ना, तो वही हो गया प्रोड्यूस सर्विसेज, क्या हो गया, प्रोड्यूस सर्विसेज। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, आप एक और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, स्कूल आपका प्रोड्यूस गुड्स करता है या प्रोड्यूस सर्विसेज करता है, तो इसका आपका तो आंसर आएगा प्रोड्यूस सर्विसेज, क्योंकि हम लोग नॉलेज देते हैं, हम लोग क्या करें, सर्विस प्रोवाइड
कर रहे हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी आर डिवाइडेड इनटू मेनी सेक्टर्स। इकोनॉमिक एक्टिविटी हम लोग बहुत सारे सेक्टर में डिवाइडेड है, बहुत सारे सेक्टर में डिवाइडेड है, लेकिन हम लोग इसमें ये 10th क्लास में हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी को तीन सेक्टर में डिवाइड करेंगे। किसमें? तीन सेक्टर में, और वही तीन सेक्टर में डिवाइड करेंगे, और उसी के बारे में आज हम लोग पूरा डिटेल्स देखेंगे। ओके, नाउ अब हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। नाउ अब देखिए, अब हम लोग सेक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं। हम लोग का बहुत सारा सेक्टर्स है, लेकिन हम लोग को इस चैप्टर पे तीन ही सेक्टर्स पर हम लोग को ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है। और इस ये जो वीडियो में आप अगर सेक्टर समझ गए तो आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आप क्यों ना आप 10th में हैं, 11th में चले जाइए, 12th में चले जाइए, कहीं पर भी आप इकोनॉमिक्स पढ़िए या इकोनॉमिक्स मत पढ़िए, अगर ये अगर बात आपको याद रहेगा तो आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं होने जा रहा है। अब आराम से समझ सकते हैं जो निर्मला सीतारमण अभी जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो किस किस पर बात करती है, आप लोगों को तुरंत समझ में आ जाएगा। और जो हमारा सेक्टर है ये वर्ल्ड का इससे और आगे सेक्टर है, लेकिन हमको तीन ही पढ़ना है और हम तीन ही आपको बताएंगे, इससे ज्यादा नहीं बताएंगे। इस वर्ल्ड का जो ये तीनों पर हम लोग का पूरा क्या है, डिपेंड है, पूरा वर्ल्ड इसी पर डिपेंड है और इसके अलावा हम लोग का कहीं पर डिपेंड नहीं है। और हर एक पॉइंट को अच्छा से समझिएगा, अगर नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को फिर से आप लोग रिमाइंड करके आप लोग जरूर देखिएगा। अगर तब भी डाउट है तो आप लोगों को मेरा हम तो नंबर कॉन्टैक्ट नंबर दिए हैं, आप लोग उससे हमसे क्या कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नॉ सेक्टर्स में हम लोग सबसे स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला क्या है प्राइमरी सेक्टर, उसके बाद क्या है सेकेंडरी सेक्टर, और उसके बाद क्या है टर्शियरी सेक्टर। तो हम लोग सबसे पहला स्टार्ट करते हैं प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर होता क्या है, प्राइमरी सेक्टर इज द फर्स्ट पार्ट। क्या है हम लोग का प्राइमरी सेक्टर, क्या है फर्स्ट पार्ट है। तो बताइए तो हमारा फर्स्ट पार्ट क्या है, एग्रीकल्चर हो गया, खेती बाड़ी हम लोग का प्राइमरी सेक्टर है ना। हम लोग का जितना भी सामान है, खाने का सामान या जितना भी सामान है, वो हम लोग का क्या होता है प्राइमरी सेक्टर से आता है। फिशिंग भी हम लोग का क्या आता है प्राइमरी सेक्टर से आता है। अब जो चेयर ये सब में भी बैठते वो क्या चीज से आता है प्राइमरी सेक्टर से आता है। लेकिन चेयर जो हम लोग का लास्ट में हम लोग का अलग सेक्टर में चला जाता है, जब तक हम लोग पास आते हैं अलग सेक्टर हो जाता है, लेकिन स्टार्टिंग में क्या रहता है प्राइमरी सेक्टर। हर में आपका प्राइमरी सेक्टर का यूजेस होता है, ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं है। अब ऐसा मत बोलिए कि सर हम लोग तो प्लास्टिक है वो तो प्राइमरी सेक्टर नहीं, हाँ वो मानते हैं, लेकिन हम लोग का बहुत सारा जो चीज सामान है, जो हम लोग कपड़ा पहनते हैं या जो आप पेंसिल से लिखते हैं या जो इंक यूज करते हैं या एनीथिंग्स जो बिल्डिंग्स बना है, ये सब हम लोग का कहाँ से है, सारा क्या है प्राइमरी सेक्टर से। मतलब कि एवरी पार्ट ऑफ थिंग्स इज द प्राइमरी सेक्टर, ये समझ गए ना। और आपको तो पता है कि एग्रीकल्चर हो गया, फिशिंग हो गया, माइनिंग हो गया, जो भी वगैरह वगैरह हो गया, वो किसमें आएगा आपका प्राइमरी सेक्टर में आएगा। अब प्राइमरी सेक्टर के बाद हम लोग किस पर आता है सेकेंडरी सेक्टर पर है। ये क्या है सेकेंड स्टेज है, क्या चीज में है ये आपका सेकेंड स्टेज है। प्राइमरी के बाद क्या आता है सेकेंडरी। तो सेकेंडरी में क्या होता है हम लोग का ये हम लोग तक नहीं पहुंचेगा, प्राइमरी का सामान हम लोग तक डायरेक्टली पहुंच जाएगा, जैसे हम लोग का वेजिटेबल्स हो गया ये सब हो गया हम लोग का डायरेक्टली पहुंच जाएगा, लेकिन हम लोग का सेकेंडरी ये जो पार्ट है ना ये याद रखिएगा, ये पार्ट हम लोग के पास डायरेक्टली कभी भी नहीं पहुंचेगा, कितना भी हम लोग कोशिश कर लेंगे डायरेक्टली कभी भी पहुंचेगा नहीं। मान लीजिए अगर हम लोग एक चेयर बनाए, ये हम लोग का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इसको भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं सेकेंडरी को हम लोग का मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं, जिसमें हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं उसको हम लोग बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स बोलते हैं। ये सेकेंडरी में अगर हम लोग कोई भी सामान को बनाते हैं तो हम लोग के पास आधा अधूरा बना हुआ सामान हम लोग के पास कभी भी नहीं आता है। जैसे मार्कर का मान लीजिए, मार्कर हम लोग का यहाँ से प्रोड्यूस किए, फिर यहाँ कोयला, सॉरी मार्कर छोड़िए, आप लोग का हम लोग लेते हैं, आप लोग का हम शुगर कर लेते हैं, एग्जांपल हम शुगर कर लेते हैं। फर्स्ट में हम लोग का क्या हो गया, हम लोग का सबसे पहला ईख का यूज करते हैं, क्या चीज यूज करते हैं ईख का यूज करते हैं, ईख का जानते हैं ना कतारी, और उसको क्या बोलते हैं शुगर केन बोलते हैं, बोलते हैं ना शुगर केन। अब बताइए अब शुगर केन अब यहां से हम लोग कतारी का यूज किए, तो बताइए ये कतारी को हम लोग इसका मार्केट में जाकर के इसका गन्ना का जूस भी पी सकते हैं, लेकिन जब ये हम लोग का चीनी पर हम लोग का प्रोड्यूस होगा, शुगर केन से हम लोग का चीनी बनता है ना, शुगर बनता है ना, तो शुगर तक आने के लिए हम लोग का इसका स्टेप रहता है, शुगर तक आने के लिए क्या रहता है स्टेप रहता है। अब बताइए प्राइमरी सेक्टर में शुगर केन आ गया, सेकेंडरी सेक्टर में इसको क्या करेगा, उस शुगर केन को हम लोग कन्वर्ट करेगा शुगर पर, किस पर कन्वर्ट करेगा चीनी पर हम लोग का वो कन्वर्ट करेगा, मतलब कि इसको क्या करेगा मैन्युफैक्चर करेगा,
क्या करेगा, इसको मैन्युफैक्चर करेगा, उसको हम लोग का बनाएगा, मैन्युफैक्चर करना मतलब उसको बनाएगा। जब ये बन करके जब तैयार हो जाएगा तो थर्ड स्टेज में हम लोग क्या आएगा, टर्टियरी टर्जरी सेक्टर आएगा। क्या आएगा हम लोग का, टर्जरी सेक्टर आएगा, जिसमें हम लोग का सुगर हम लोग को यहाँ से मिलेगा। और यहाँ पर तो हम लोग को कुछ नहीं, लेकिन यहाँ पर हम लोग का बहुत सारा लगता है, बहुत सारा सेकेंडरी से टर्जरी में आने में। इसको हम लोग देखेंगे सबसे पहला, इसको हम लोग प्राइमरी को क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर सेक्टर भी बोलते हैं, सेकेंडरी को क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चर सेक्टर भी बोलते हैं, और टर्जरी को क्या बोलते हैं, सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। सर्विस मतलब जानते हैं ना, जो हम लोग को हर जगह तक, दुकान दुकान तक, घर घर तक क्या करता है, उसको पहुंचाता है। इसमें हम लोग का जब सेकेंडरी से टर्जरी के बीच में आएगा तो हम लोग का बहुत सारा टैक्सेस ये सब जुट करके हम लोग को मिलता है। जैसे आप लोग को अभी का नाम सुनते होंगे जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इसको बोलते हैं ना, जो ये सब एड होने के बाद हम लोग को मार्केट में मिलता है। ये याद रखिएगा, प्राइमरी को क्या बोलेंगे, प्रोड्यूसर सेक्टर, सेकेंडरी को क्या बोलेंगे, मैन्युफैक्चर सेक्टर, और टर्जरी को क्या बोलेंगे, सर्विस सेक्टर। इसको याद रखिएगा, ये आपको आगे भी बताएंगे ना। अब हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ये भी हम लोग का इकोनॉमिक पार्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, और बैंकिंग में भी हम लोग का ये इंपॉर्टेंट है। आप लोग को सिंपल भाषा में बताते हैं। अच्छा आप ये बताइए, हम लोग का फिक्स्ड, दोनों में ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड अच्छा समझिएगा, हम लोग को बताइए फिक्स्ड हम लोग को कौन देता है, मतलब कि फिक्स्ड रेट में कौन देगा, बैंक देगा, बैंक देता है ना, जिसका हम लोग का रेट हम लोग का पहले से निर्धारित रहता है, उसका रेट हम लोग का फिर कभी भी बदल नहीं सकते, जब तक हम लोग का सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक मीन्स आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जब तक हम लोग को बदलने नहीं बोलेगा तब तक हम लोग उसको बदलेंगे नहीं। तो ये किस पर आ जाएगा, हम लोग का ऑर्गेनाइज सेक्टर पर। बैंक किस पर आ जाएगा, ऑर्गेनाइज सेक्टर पर। और यहाँ पर एक और बात बोलते हैं, जो आदमी, जो लोग कहीं पर कंपनी या फैक्ट्री में काम करते हैं उनका फिक्स्ड सैलरी रहता है या हम लोग का अलग बार बार बढ़ता है, तो वो भी हम लोग किस पर आ जाएगा, ऑर्गेनाइज सेक्टर पे आएगा। किस पर आएगा, वो हम लोग का ऑर्गेनाइज सेक्टर पर आएगा। ये समझ गए ना, जिसका हम लोग का फिक्स्ड रहता है, मतलब कि हम लोग का ऊपर ऑर्डर आने के बाद ही हम लोग का परसेंटेज बढ़ता है और कभी बार बार नहीं बढ़ता, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑर्गेनाइज सेक्टर बोलते हैं। याद रखिएगा, जिसका हम लोग का फिक्स्ड रहता है, कभी जब तक हम लोग का ऊपर से ऑर्डर नहीं आएगा, जैसे बैंक रेट हो गया या जॉब्स हो गया, गवर्नमेंट सर्विसेज हो गया या पब्लिक सर्विसेज हो गया, ये सब क्या हो गया हम लोग का, ऑर्गेनाइज सेक्टर। अब हम लोग आता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अब ये बताइए, एक बार फिर हम बैंक के बारे में बताते हैं। अगर हम लोग का महाराष्ट्र का देखेंगे, दिल्ली का देखेंगे, या फिर हम लोग झारखंड का देखेंगे, जहां पर महाराष्ट्र, दिल्ली और झारखंड का जहां पर भी जाइएगा, तो इसका लोन का लेने का या सर्विसेज का हम लोग का परसेंटेज क्या रहेगा, सेम रहेगा, सर्विसेज टैक्स सेम रहेगा ना सारा, इसमें हम लोग क्या रहेगा, सारा हम लोग का सेम रहेगा। लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हम लोग का भी सेम नहीं रहेगा। जैसे इसमें अनऑर्गेनाइज में क्या हो गया, सेठ हो गया, साहूकार हो गया, मरवाड़ी हो गया। अगर आप सेठ साहूकार अगर मरवाड़ी से लेने जाइएगा तो क्या आपका इसमें कंफर्म है कि इतना परसेंटेज पर देगा, नहीं, वो अपने अनुसार वो अपना परसेंटेज को सेव करेगा। वो क्या करेगा, अपना परसेंटेज को सेव करेगा कि अब बोले, अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक सेठ के पास गए, एक क्या गए, एक सेठ के पास गए, सेठ के पास जाने के बाद हमको बोले कि हमको 10,000 चाहिए, क्या बोले, हमको 10,000 चाहिए। हम एक सेठ के पास गए, दो सेठ के पास गए, तीन सेठ के पास गए, ठीक है, हम तीन सेठ के पास गए। पहला सेठ बोला कि 10,000 पर हमको 5% चाहिए, 10,000 पर अगर आप एक साल के बाद देते तो हमको इसमें क्या चाहिए, 5% चाहिए, ये बोला गया ना। अब दूसरा सेठ के पास गए तो हमको वो बोला कि हमको 10% चाहिए, सर्विस हमको टैक्स चाहिए ना 10%। तीसरा सेठ के पास गए तो वो बोला हमको 15% चाहिए। ये क्या हो गया हम लोग का, अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो गया। क्या हो गया हम लोग का, ये ऑर्गेनाइज सेक्टर हो गया। अब ये बताइए, अब हम लोग का जो बैंक से अगर हम लोग का कोई भी अगर लोन लेते हैं, इसमें अगर 2.5% है तो यहाँ पर भी दिल्ली में क्या होगा, 2.5%, और यहाँ पर भी क्या होगा, 2.5%। मतलब कि ये हम लोग का टोटली क्या है, ऑर्गेनाइज्ड है। लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड में हम लोग का परसेंटेज कभी भी फिक्स नहीं रहता है, मतलब कि ये अपने अनुसार, सेठ साहूकार मरवाड़ी ये सब अपने अनुसार के थे। पहले के समय में क्या होता था, गांव में तो बैंक तो हम लोग को लोन प्रोवाइड नहीं करता था, लेकिन हम लोग का लोन यही सब प्रोवाइड करता था। लेकिन अब हम लोग का सारा क्या हो गया, ऑर्गेनाइज सेक्टर हो गया। हमको
अनऑर्गेनाइज्ड के पास हमको लोन नहीं लेना है, क्योंकि हमारा ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर बैंक ये सब हम लोग क्या कर रहा है, लोन दे रहा है। अब यहाँ पर इस वीडियो का लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर, जो है ना पब्लिक सेक्टर हो गया और हम लोग का क्या हो गया प्राइवेट सेक्टर। अब देखिए पब्लिक सेक्टर क्या होता है, पब्लिक सेक्टर मतलब होता है कि जिसमें हम लोग का ऑनरशिप नहीं होता है, जिसमें हम लोग का ऑनरशिप नहीं होता है। सम एग्जांपल देते हैं, जैसे सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड हो गया, फिर हम लोग का एनटीपीसी हो गया, फिर हम लोग का और भी हो गया, फिर डीवीसी हो गया, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन ईटीसी। आप लोग कहीं पर भी इंटरनेट में सर्च कर लीजिए, कहीं पर भी क्या आपका सीसीएल एनटीपीसी और डीवीसी दामोदर वैली कॉर्पोरेशन का क्या आपका मालिक है, नहीं मालिक है, आपका ये मालिक नहीं रहेगा। इसको भी हम लोग पब्लिक को क्या बोलते हैं, सेमी गवर्नमेंट। क्या बोलते हैं हम लोग का, सेमी गवर्नमेंट। बहुत सारा जो है हम लोग का क्या रहता है, एक प्राइवेट भी आता है और एक हम लोग का गवर्नमेंट सेक्टर से भी आता है, दोनों काम करता है, जिसमें प्राइवेट भी काम करेगा और हम लोग का क्या करेगा, गवर्नमेंट सेक्टर भी काम करेगा। एंड लास्ट टॉपिक, इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है और अगले वीडियो से फिर से हम प्राइवेट सेकेंडरी टर्शियरी का हम डिफाइन अलग अलग करेंगे। और प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, इसमें हम लोग का सेमी गवर्नमेंट ही रहता है, इसमें हम लोग का ऑनरशिप रहता है, क्या रहता है, ऑनरशिप रहता है, मतलब कि इसका मालिक कोई ना कोई जरूर रहता है। जैसे एग्जांपल जियो, जियो पता है ना, जियो, जियो पहले कौन सा कंपनी था, रिलायंस की कंपनी था। जियो का मालिक का नाम बताना, आपको कमेंट में बताना कि जियो का मालिक कौन है। फिर आपका हो गया टाटा, टाटा का नाम सुने ना, टाटा नमक खाने वाला नहीं, टाटा जो इंडस्ट्री है उसका फाउंडेशन कौन किया था। लेकिन हम लोग टाटा को यहाँ पर हम लोग प्राइवेट सेक्टर में नहीं रखते हैं, हम लोग का पहले हम लोग का आता था, लेकिन हम लोग टाटा को पब्लिक सेक्टर में ही रखते हैं। अभी हम लोग का टाटा क्या है, पब्लिक सेक्टर में ही है, जो गवर्नमेंट इसमें करता है। जियो हो गया आपका, फिर आपका एयरटेल हो गया और बहुत सारा कंपनी है जिसका ऑनरशिप होता है। लेकिन यहाँ पर एक और हम आपको इस लास्ट में पूछना चाहते हैं, BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड, BSNL। तो आपको इस कमेंट में कंफर्म बताना है कमेंट में कि BSNL इज अ पब्लिक सेक्टर कंपनी और प्राइवेट सेक्टर कंपनी। BSNL कौन सा सेक्टर का कंपनी, पब्लिक का है या प्राइवेट का है। तो चलिए ये आपका टॉपिक यहीं पर खत्म करते हैं और यहां पर लास्ट में यहां पर आप लोग लाइक सब्सक्राइब कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में, और नहीं तो लास्ट में ये नंबर है 9334325948, इस पर आप लोग हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।